हेलो एवरीवन, मैं आलोक आपका फिर से आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 पे स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने एनालॉगी के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज जो हम लोग प्रैक्टिस जो एनालॉगी के क्वेश्चन हैं, ये अभी अपकमिंग यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग 3rd टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। 3rd टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहले क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि लिनन एक कपड़े का ब्रांड होता है। लिनन एक जैसे कपड़ा है, उसी प्रकार सोना क्या है? तो सोना क्या होता है? सोना एक धातु होता है। धातु कहाँ पे दिया गया है? वो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत कम शेयर करते हैं, ना ही हम लोग चैनल पे व्यूज़ आते हैं। देखिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द देखिए लाइटनिंग का भी इशू सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने। तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ विज़न क्लियर नहीं आ रहा था, पर अब जैसे ही सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे माउंटेन किससे संबंधित होगा। जैसे तालाब में क्या होता है? पानी होता है। तो तालाब में जब पानी होगा तो माउंटेन का किससे संबंधित होगा? चट्टानों से। किससे संबंधित होगा? चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि जैसे तेज हवाई जहाज, जो हवाई जहाज होता है वो तेज चलता है, तो तेज जो दिया हुआ है, तेज क्या चलता है? हवाई जहाज चलता है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए उसी प्रकार मंद क्या चलती है? मंद कौन सी मंद चलने, मतलब कोई चीज धीमे धीमे चलना क्या चलता है? बैलगाड़ी चलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बैलगाड़ी। वो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है ब्रेक का सील, मतलब अगर ब्रेक लगाते हैं तो कोई चीज रुक जाती है, ठीक है। उसी तरीके हमको टॉक का पूछा है, तो टॉक का क्या हो जाएगा? टॉक का हो जाएगा साइलेंट। क्या हो जाएगा? अपोजिट, जस्ट। देखिए इसमें सिंपल है, ब्रेक लगा गया तो रुक गई वो चीज, टॉक का क्या हो जाएगा? साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि न्यू का बताया गया है, न्यू का दिया है ओल्ड। जैसे न्यू का ओल्ड मतलब नया, और नया का अपोजिट क्या होता है? पुराना, तो ओल्ड। इसी प्रकार से बताना है डे का क्या होगा। तो डे का की सिंपल सी बात है कि डे का अपोजिट क्या होता है? नाइट। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट, वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चेक का मतलब दिया है इसने वैलिडेट, मतलब कि कोई चीज़ चेक करते हैं तो उसकी वैलिडिटी को हम लोग देखते हैं कितने दिन तक वो चलने वाली है। उसी तरीके इसने हमसे पूछा है कि मेक का क्या होगा, तो मेक का हमसे पूछा जा रहा है, तो मेक का होगा क्रिएट। क्या होगा? क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ब्लू का दिया हुआ है स्काई, तो जो हमारा स्काई होता है, स्काई मतलब आसमान जो होता है, वो किस तरीके का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। तो हमारा स्काई का क्या है? ब्लू जो होगा वो स्काई होगा। तो ब्राउन कलर का क्या होता है? तो ब्राउन कलर का देखिए लिखा है वेट, मतलब होता है गीला, ये नहीं हो सकता। बोर्ड भी नहीं हो सकता, बोर्ड जिसपे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट लिखा वेसल, ये भी मड क्या होती है? मिट्टी। जो मिट्टी होती है वो किस कलर की होती है? भूरे कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉयन क्या करता है? रोर, मतलब लॉयन जो है दहाड़ता है। दहाड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? रोर। जिस तरीके से लॉयन संबंधित है किससे? रोर से। उसी तरीके से उसने पूछा है हॉर्स का क्या होगा, तो आपको हॉर्स का बताना है। हॉर्स क्या करता है? हॉर्स करता है हिनहिनाना। हिनहिनाना का मतलब समझते हैं ना, कि मतलब वो अपनी उसकी वॉइस उस तरीके से निकालता है। तो हिनहिनाना हिस नहीं हो सकता, हिस सांप करता है, ब्रेव नहीं है, होट्स नहीं है, नाइट NEIGST इसका मतलब होता है हिनहिनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा किताब, जिस तरह किताब से पेज, मतलब किताब में क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। जिस तरीके से किताब में पेजेस होते हैं, उसी तरह खिड़की कहाँ होगी? खिड़की हमारी किसके हो? लकड़ी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका रिलेशन पूछा कि ये इसके अंदर होता है, किताब के अंदर पेज होता है। खिड़की आपको कहाँ मिलेगी? खिड़की का शीशा, ये एक ऑप्शन है, क्योंकि जंगल में हो ही नहीं सकता और कमरा तो बिल्कुल ही नहीं, तो गलत। तो क्या है? खिड़की का शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य झुंड। मत्स्य झुंड का मतलब होता है मछलियां, जहां पे मछलियों का झुंड होता है उसे मत्स्य झुंड कहते हैं। तो मछलियों का झुंड को क्या कहते हैं? मछली के झुंड को मत्स्य झुंड कहते हैं। उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कॉलेज, कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है कि जो चींटियों के झुंड को हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। तो चींटियों का झुंड इसमें कॉलोनी आंसर हो जाएगा, चींटियां आंसर, वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। देखिए आप लोगों के लिए हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। हाँ, कुछ दिनों से अब अपने रीजनिंग के वीडियोस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम थी, बट अब वो सॉल्व हो गई है। तो मोस्टली उम्मीद ये कर सकते हैं आप लोग कि बहुत जल्दी आपको डेली वीडियो मिलने लगेंगे और एक टाइम पे मिलने लगेंगे, इवनिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास रोज आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। आज का वीडियो भी 7 बजे ही अपलोड किया जा रहा है। जैसे कि लिखा है सोलर, सोलर का लिखा हुआ है सूर्य, तो सन की क्या होती है? सोलर, सोलर इक्लिप्स हम लोगों ने सुना होगा, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो किसके कारण होता है? सूर्य ग्रहण। तो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है लूनर, लूनर इक्लिप्स क्या होता है? लूनर इक्लिप्स होता है चंद्रमा के कारण। किसके कारण होता है? चंद्रमा के कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा कहीं दिख रहा है आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निरोध। निरोध का मतलब होता है अलगाव, मतलब किसी चीज से अलग हो जाना। ठीक है, आजादी। आजादी का क्या होगा? मुक्ति। क्या होगा? मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार। कार को लिखा है गैराज। कार हमें कहाँ मिलेगी? मोस्टली गैराज में खड़ी की जाती है। तो उसी तरीके मुर्गियां कहाँ रखी जाती हैं? मुर्गियां झोपड़े में तो रखते नहीं हैं, ठीक है। और अस्पताल में, अस्तबल में तो घोड़े रखे जाते हैं। कुत्तों के रहने का घर ही तो वैसे ही कट जाएगा, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही बचता है, वो पिंजरे। और तो मुर्गियों को किसमें रखते हैं हम लोग? पिंजरों में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूज। सूज का मतलब होता है स्लीपर, मतलब सूज का रिलेशन किससे बताया उसने? स्लीपर से। ये दोनों ही पैरों में पहनने वाली चीजों की बात कहा गया, तो मतलब सूज और स्लीपर एक ही से रिलेट करते हैं। उसी तरीके कोट पूछ रहा है, कोट का क्या रिलेशन हो सकता है? तो कोट किससे संबंधित होगा? तो कोट अपना संबंधित होगा, आपके कोट में क्या होगा? पेन हटा दीजिए, टाई बिल्कुल नहीं, कमीज, पैंट के। तो आपके कोट में क्या होती है? कमीज। मोजे का रिलेशन हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कमीज। बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आसान है अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। जितने प्रैक्टिस से हम लोग करा रहे हैं, अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आप लोग पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, ना ही हम लोगों के चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा मत करिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, और शेयर करिए ताकि ये जो चैनल है आपकी फैमिली और थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और हम लोग आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। कोशिश में हम लोग थे कि अब रेगुलरिटी से हो। देखिए, हम लोग उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। रोज़ शाम को 7 बजे आपके पास रीजनिंग का लेक्चर अपलोड होगा। तो जो भी लोग न्यू हो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो लोग इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। चलिए, थैंक यू।